सर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि एक प्लांट में जो पानी की कॉस्ट होती है वो क्या होती है 5000 गैलन वाले प्लांट में। तो कॉस्टिंग के हवाले से सिंपल मैं बता देता हूँ, पानी बनाने के लिए हमें जो अखराजात होते हैं सबसे अहम चीज़ है पानी। पानी बनाने के लिए पानी चाहिए, पानी तो फ्री है, तो दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है बिजली, ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी होती है मिनरल और फिल्टर। 5000 गैलन के प्लांट का मतलब है 1000 लीटर पर आवर पानी बनाना। 1000 लीटर अगर एक घंटे में पानी बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये, तो एक घंटे में बिजली और मिनरल कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एक घंटा अगर समर का और तमाम तर प्लांट की जो पंप्स हैं उसकी बिजली इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाए तो वो 6 यूनिट कंज्यूम करता है। हम टोर्च वगैरह लगा के कर लेते हैं, 8 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। अगर हम 50 रुपये का एक यूनिट भी लगा लेते हैं तो 400 रुपये बिजली के हो गए, ठीक है जी। ये मैक्सिमम साइड पे मैं बता रहा हूँ, तमाम एक्सपेंस सिर्फ पानी के एक्सपेंस की बात होती है, ठीक है जी। 400 रुपये और 100 रुपये आप मिनरल फिल्टर केमिकल वगैरह के लगा लें तो 500 रुपये आपका एक्सपेंस आया। तो 1000 लीटर पानी बनाने के लिए जो एक्सपेंस आ रहा है वो 500 रुपये आ रहा है, तो 1 लीटर की कॉस्ट जो आई वो आपको 50 पैसे आई, बाकी दुकान का किराया, लेबर का, वो ये सारी चीजें अलग है। ये मैंने आपको इस वक्त सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट बताई है, 50 पैसे पर लीटर मैक्सिमम साइड, ठीक है जी। थैंक यू।